Good afternoon, dear students. Welcome to my channel. Today, we are going to start a new poem which is In Broken Images. So, this poem is written by Robert Graves, and as you see from the title, this poem is about different thoughts, thoughts which are broken into different images, into different parts. So, let's start this poem. We will read this and then we will have a discussion he is quick thinking in clear images i am slow thinking in broken images so in these two lines we see the speaker he is talking in first person like uh, the way I, I am i am slow and he he's also talking about someone uh, who is at contrast with him so he says he made a comparison between someone and him so वन ही कॉल सम वन ही एक्सप्लेन इम दैट ही इज़ क्विक एंड ही थिंक्स वेरी क्लियरली वो इंसान बहुत जल्दबाजी करता है और वो बहुत ही चीज़ों को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं बट आई एम स्लो वैन आई थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स आई थिंक इन ब्रोकन इमेजस आई डोंट सी एन इमेज इन टू वन पिक्चर ऑनली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थाट दैट थिंक इन टू डिफ़रेंट वेज मतलब एक ऐसी सोच होती है जो बिल्कुल क्लियर होती है इधर दिस इज़ ब्लैक और दिस इज़ वाइट बट आई कैन नॉट डिवाइड थिंगस इं टू वाइट एंड ब्लैक आई कैन सी द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल कलर्स इन टू वैन आई डिसाइड टू नो अबाउट द शेड ऑफ समथिंग यानी कि उसकी जो सोच है वो कंट्रोल uh, नहीं है उसकी सोच जो है वो आज़ादाना सोच है यानी कि वो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी को मद्दनज़र रखता है तो बेसिकली यहाँ पे वो दो टाइप की सोच को दो तरह की अंदाज़ फ़िक्र को बयान कर रहा है कि दो तरह के लोग होते हैं एक तरह एक किस्म के लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ चीज़ों को सही और गलत में देखते हैं और एक ख़ास किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज़ then he says that that the person uh, who is very clear in his images, he always believes what he sees. he always believes what he can see through his senses, whether he can feel, whether he can smell or hear. but uh, I, I become sharp because i mistrust my broken images because i question everything i see. i don't believe only what i see. <laughs> आई वुड ऑल्सो बिलीव की जो चीज़ें मुझे नजर नहीं आ रही वो भी पॉसिबल है बट द अदर काइंड ऑफ पर्सन ही विल ऑलवेज बिलीव वट ही सीज और हमेशा जो चीज़ नज़र आती है वो वैसी नहीं भी होती है सो अपेयरेंसेज आर ऑल्सो डिसेप्टिव सम्स जो आपको नज़र आ रहा होता है वो आपकी आंखों का धोखा भी होता है दैट इज़ वट ही वॉन्ट्स टू कनू ए हेयर ट्रस्टिंग हिज इमेज ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस mistrusting my images, i question their relevance. so whatever they see, whatever that person sees, whatever image he sees, he believes that and he makes a connection. but what i see, the images i see, i always try to question that. i don't believe um, ready-made material which is provided to me. सो आई क्वेश्चन एवरी थिंग आई ट्राई आई टेक माई टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ चाहे मैं देर लगाता हूँ बट आई टेक माई टाइम टू रीच टू द रियलिटी एज्यूमिंग द रेलिवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट वो चीज़ों को देखता है ओके वन प्लस वन इज़ इक्वल टू टू वो रेलिवेंस देखता है वो लॉजिकली मैथड में चीज़ों को अंडरस्टेंड करता है और फैक्ट्स तक पहुँचता है बट वट आई डू

ही इज़ इन न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हज अंडरस्टैंडिंग बट एट दैट पॉइंट वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग उसकी जो होती है फैक्ट्स को लेकर वो नहीं में कन्फ्यूज़ हो जाता है बट आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन लेकिन मुझे अपनी कन्फ्यूजन्स का आंसर मिल जाता है यानी कि जो शख्स सिर्फ फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं समटाइम्स जब उसकी फैक्ट्स उसको समझ नहीं आती तो वो बाद में जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है बट द पर्सन हु ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग हु ट्राइज टू क्वेश्चन एवरी फैक्ट एट एवरी स्टेज

तो ये पोएम दो तरह की आप कह सकते हैं दो तरह की सोच को आ, डिस्कस करती है दो तरह के पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करती है दैट वी हैव डिस्कस्ड सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे टेक केयर अल्लाह हाफिज़